सर अभी आपके पास ये 14 मेंबर्स जो म्यूनसिपैलिटी मेंबर्स ने आपको डॉक्यूमेंट सबमिट किया है रिजाइन करने के लिए, तो इस विषय में आप क्या बोलेंगे सर? हाँ वैसे ये रिजाइन करने के लिए नहीं, रिमूवल के लिए जो दिया जाता है ये बीएम एक्ट सेक्शन 18(3) के तहत दिया गया है मुझे। और अब मेरे हाथ में 15 दिन की मियाद रहेगी, टाइम रहेगी कि मैं 15 दिन के अंदर उसका स्पेशल मीटिंग बुलाऊं और बुला करके लोगों का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में पार्टिसिपेट करूं, और क्योंकि मैं खुद भी री इलेक्शन के लिए अपने आप को कैंडिडेट के हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो ये एक तरह से एक प्रतिस्पर्धा होगी, एक तरह से उनकी ओर से कैंडिडेट का नाम प्रपोज किया जाएगा और मेरी ओर से मेरे जितने भी साथियाँ मेरे साथ रहे उन्होंने उनको उनकी ओर से मेरा नाम प्रपोज किया जाएगा और सीक्रेट बैलेट के जरिए फिर तय होगा 15 दिन के अंदर की कौन दूसरे चलेगा। सर आपके पास पूरा बहुमत साथ मिलेगा सर? ये 15 दिन हाथ में है तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कल जो पोस्टरिंग होगा सर आपके विरुद्ध में, इस विषय में सर कुछ? अब ये जो पोस्टर किए इन लोगों में से मैंने खुद देखा था, पोस्ट करते हुए कोई लोग पार्टी का रेगुलर वर्कर नहीं था, ना कि मुझे 10 नंबर वार्ड से भी रिजाइन करने के लिए बोला गया, तो 10 नंबर वार्ड के तो कोई एक बंदे भी वहाँ थे नहीं, तो ये एक मोटिवेटेड किसी का एक बनाया हुआ भद्दा, और इसके लिए इसमें मेरी ओर से कुछ कहना नहीं है।